एक पोर्शन दाल का 45 और मिक्स वेज का ऐसे ही 55 और 60 ऐसे ही होता है। और वेज मोमो भी है हमारे पास, नेपाल से, इंडिया से, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान के लोग सब लोग यहीं रुकते थे। यहाँ पे आपको पूरा जो ब्रेकफास्ट मेन्यू है वो आपको देखने को मिलेगा, आलू का पराठा, गोभी का पराठा, प्लेन पराठा, अजवाइन, मिर्ची पराठा। हमने नूडल बनाया और रात के लिए भूखे लगाई थी, एकदम सिंपल घरवाली खाना खिलाते हैं। वेलकम बैक दोस्तों, कार म्यूजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। गाइज, इन दिनों मैं चाइना में हूँ। चाइना में बहुत सारे शहर मैंने विजिट किए। चाइना में एक इंडियन जब आता है, खासकर वेजिटेरियन, तो उसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है फूड की। और अगर हम बात करें लैंग्वेज की, तो कहीं ना कहीं आपको इंग्लिश से थोड़ी बहुत सबूलियत मिल जाती है, बट यहाँ पे ज़्यादातर लोग चाइनीज़ भाषा बोलते हैं। देखो, भाषा का क्या है कि इंग्लिश से हम काम चला लेते हैं, लेकिन पेट पूजा कैसे की जाए? अगर आप वेजिटेरियन हैं और आप एक अच्छा रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं गुंगजाओ सिटी के अंदर, तो हम मतलब 3 दिन का व्रत कंप्लीट करके एक अच्छे से रेस्टोरेंट में पहुंचे। सबसे पहले तो हमने खाना खाया, खुद सेटिस्फाइड हुए खाने को लेके, और प्राइस भी बहुत अच्छा था। बाकी अब अगर आप आ रहे हैं तो कैसे यहाँ पे पहुंचेंगे और क्या कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है, वो सब आज के वीडियो में मैं दिखाऊंगा। तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना। मैं बोलूंगा चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो, लेकिन इस वीडियो को शेयर जरूर करना उन लोगों में जो इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं या फिर चाइना विजिट करते हैं, बिजनेस के लिए आते जाते रहते हैं, तो खाने में उनकी काफी हेल्प होगी। और जो पहली बार चाइना आ रहा है उनके लिए तो ये वीडियो आप वरदान मान के चलिए, क्योंकि हम लोग जब पहली बार यहां आए तो खाने के लिए हमें बहुत प्रॉब्लम हुई। तो अभी हम रेस्टोरेंट के ऑनर से मिलेंगे, क्या कुछ लोकेशन है, कैसे आप यहाँ पे पहुंच सकते हैं, किस शहर में है, क्या मेट्रो का क्या रूट है, बस से कैसे आएंगे, टैक्सी से कैसे आएंगे, उस सब का पूरा जो एक इन्फॉर्मेशन है वो आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। तो आइए चलते हैं इस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट के अंदर और देखते हैं क्या कुछ हमें यहाँ पे खाने को मिलता है। सो भाई, जिस बिल्डिंग के अंदर ये रेस्टोरेंट है उसका पूरा जो मैप लोकेशन है, चाइनीज़ लैंग्वेज में कैसे आप एक टैक्सी ड्राइवर को यहाँ का लोकेशन बताएंगे, वो सब कुछ मैं वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। फिलहाल आप एक ओवरव्यू देखिए, यहाँ पे आपका जो मेन काउंटर है यहाँ से ये लोग सर्व करते हैं। अभी सर से हम बात भी करेंगे। बाकी आप ये पूरा जो हॉल है ये देखेंगे, ये कंप्लीट एक बहुत ही मतलब क्लीन और वेल मेंटेन रेस्टोरेंट है, जो कि वेजिटेरियन लोगों के लिए एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन मिलता है चाइना के अंदर, क्योंकि हम भी 3 दिन के व्रत के बाद यहाँ पहुँच पाए। बड़ी हालत ख़राब हो गई थी हमारी खाने को लेके। सो ऑलमोस्ट मतलब हमें किसी के रेफरेंस से हम यहाँ पे आए, और यहाँ पे जो खाने का सिस्टम है वो भी काफ़ी बेहतरीन है। लाइक आपको प्रॉपर एक टेबल पे, जैसे हमारे यहाँ हम जिसको बफर सिस्टम बोलते हैं, वो आपको देखने को मिल जाता है। कुछ इंडियन गेस्ट भी आए हुए हैं। मैक्सिमम जो कस्टमर हैं, मतलब इनके जो मैक्सिमम कस्टमर हैं, रेगुलर कस्टमर हैं, वो इंडियंस हैं, क्योंकि हमने खाने के समय इनसे बात भी की थी। तो अभी हम सीधा ऑनर के पास चलते हैं और बात करते हैं। बाकी कुछ कस्टमर जो ऑर्डर कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, उनका फीडबैक भी देंगे। त्रिलोचन जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया जी। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने हमें इतना अच्छा खाना खिलाया। हमारी तो मतलब हालत टाइट थी खाने को लेके। मान लीजिए अभी हम यहाँ पे खाना खा के हम तो काफ़ी सेटिस्फाइड हैं। अभी अगर हम बात करें मेन्यू की, तो एक बार मैं मेन्यू दिखा देता हूँ। देखो, यहाँ पे आपको पूरा जो ब्रेकफास्ट मेन्यू है वो आपको देखने को मिलेगा, आलू का पराठा, गोभी का पराठा, प्लेन पराठा, अजवाइन, मिर्ची पराठा। चेक कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे आपको कंप्लीट जो है रेंज वो देखने को मिल जाती है। सो त्रिलोचन जी, हम लोग तो गुमजाओं में रुके हुए थे और हम किसी के रेफरेंस से आपके पास पहुंचे। अगर कोई फर्स्ट टाइम आ रहा है चाइना, तो वो कैसे आपके रेस्टोरेंट तक पहुंचेगा, प्लीज बताइए। पहले तो जब एयरपोर्ट, गुंगजाओ एयरपोर्ट में उतरेंगे, उसका बाद आप टैक्सी से भी आ सकते हो, जो हमारा एड्रेस लोकेशन में ये वीडियो पे डाला हूँ। और यदि मेट्रो से आ सकते हो तो ये लाइन नंबर 5 में पड़ता है। इसका हमारा नज़दीक का दूरी है 100 मेट्रो स्टेशन, लाइन नंबर 5। मेट्रो स्टेशन से 500 मीटर का पास में पड़ता है, और जहाँ पर लुजिंगलू बोलते हैं, यहाँ पे ज़्यादातर इंडियन और नेपाली, जो हमारा साउथ एशियन लोग ज़्यादातर इधर रहते हैं, तो इसलिए। और इसमें मैं जैसा आपको इसमें नंबर भी डाला हूँ, तो यहाँ पे आप कैसे भी कांटेक्ट करके, नज़दीक है, ज़्यादा दूरी नहीं है। सी एग्जिट, जो 100 मेट्रो स्टेशन सी एग्जिट से उतर के सीधा राइट हैंड से लुजिंगलू आ सकते हैं। लुजिंगलू आने के बाद यूयांग ट्रेडिंग महल,
जो पहले जो आज से 10-11 साल पहले जीटी होटल बोला करता था इसको, डोंगी होटल था। डोंगी होटल का अभी रेडिसन बना दिया, जो कि अभी ये कोविड का टाइम में, तो उसका पीछे जो यूयांग ट्रेडिंग मॉल, उसका थर्ड फ्लोर में, जो लिफ्ट से उतरते ही थर्ड फ्लोर में ईस्ट गेट में हमारा रेस्टोरेंट है इधर। ओके, आपका कोई विजिटिंग कार्ड है जिसको लोग शो करके टैक्सी ड्राइवर को यहाँ तक लाइक नियर लोकेशन तक ला सकें, जिससे कि टैक्सी से कोई अगर आ रहा है तो वो इजीली पहुंच पाए? हाँ ये है। तो यहाँ पे आपको जो एड्रेस है वो इंग्लिश में भी दिखेगा और चाइनीज लैंग्वेज में भी है इसमें एड्रेस? चाइनीज लैंग्वेज ये कहाँ पे? ऊपर। शुरू में चाइनीज है, उसका नीचे इंग्लिश तो में है। ये अगर कोई टैक्सी ड्राइवर को दिखाता है तो वो प्रॉपर आ जाएगा यहाँ पे? परपर आ जाएगा। तो इस वीडियो को पॉज करके आप इस कार्ड का एक स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पे त्रिलोचन जी का एक नंबर भी है और चाइनीज में इनका एड्रेस भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है, क्योंकि आप जब टैक्सी ड्राइवर को दिखाएंगे तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होगी कि आपको चाइनीज लैंग्वेज में दिखाना पड़ेगा, तभी वो अपने मैप में फिलअप करके फिर वो यहाँ तक आपको पहुँचाएगा। तो त्रिलोचन जी, अगर डिनर के लिए दो लोग आ रहे हैं तो क्या कुछ उनका बजट होना चाहिए? जैसे दो लोग आ गए तो यहाँ पे ऑप्शन, जैसे अलाकार्ट, जैसे हमारा मेनू का ऑर्डर से भी ले सकते हैं। जैसे मेनू में ब्रेकफास्ट के लिए अलग अलग, जैसे आपने पराठा का साथ दही चाय बटर कुछ भी ले सकते हैं, और आपने कोई दाल रोटी सब्जी खाना है तो उसका बजट दो दो जने के लिए दो सब्जी और रोटी। जैसे हमारा दाल का एक पोर्शन दाल का 45 RMB यान, यहाँ पे चाइनीज मनी 45, और मिक्स वेज का ऐसे 50 55 और 60 ऐसे ही होता है। और रोटी हमारा तावा रोटी प्लस तंदूरी रोटी, तावा पराठा हमारा एकदम फ्रेश, और घर का जो फ्लेवर मिलता है उस हिसाब का खाना है। हम यहाँ पे लगभग 2008 से काफ़ी जो बिजनेसमैन जो इंडिया से आते हैं, काफ़ी लोग यहाँ पे हमको जानते हैं, क्योंकि हमने काफ़ी साल से किया था। तो हमने ऐसा घर का हिसाब से का खाना बनाते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग रहना पड़ता है इधर, कोई पेट पेट के लिए भी, जैसा कभी खराब हो गया कुछ हो गया तो फिर दिक्कत होता है। इसलिए हमने फ्रेश खाना एकदम सिंपल घरवाली खाना खिलाते हैं, इसलिए हमको काफ़ी लोग खाना का वजह से और अपना हमारा सर्विस का वजह से काफ़ी लोग जानते हैं। फिर भी हमने अभी ये कोविड का बाद, पहले जो यही बिल्डिंग का दूसरा फ्लोर में था, सेकंड फ्लोर में वो पार्किंग का तरफ, यहाँ पे कोविड का बाद इधर तीन फ्लोर में लाया, थर्ड फ्लोर में अभी खुला हुआ हमारा कम से कम 1 महीना हो गया। उसका बाद अभी धीरे धीरे चल रहा है, अभी कैंटोन फेयर लगा हुआ है। तो आप आके यहाँ पे आपने कभी भी कहीं पे भी फ़ोन करके कभी आने का प्रॉब्लम हो गया तो कुछ सब कुछ हम सॉल्व कर लेंगे, लोकेशन बता देंगे, फ़ोन कर सकते हैं आप, फ़ोन नंबर है उसमें। तो भाई, इंडियन फूड के लिए चाइना में एक बेस्ट ऑप्शन है जो कि गोंगजाओ सिटी में है। हाँ, गोंगजाओ सिटी। गोंगजाओ, अगर कोई बंदा मान लीजिए सेंजन में है या फिर हाँ पजाओ करके जो जगह है वहाँ है, या आसपास के 200-300 किलोमीटर एरिया में है, हाँ तो उसके लिए क्या रिकमेंड करेंगे? जैसे वो रूम भी यहीं आसपास लेना चाहता है, हाँ रूम मिल जाते हैं यहाँ पे? रूम मिल जाता है, जैसे किसी ने रूम बुक कर देना के लिए बोल दिए तो हम रूम बुक कर सकते हैं इधर। और यहाँ आसपास में काफ़ी होटल है, जैसे पहले तो लगभग लगभग लिटिल इंडिया दिखता था, काफ़ी इंडियन लोग, और जैसा नेपाल से, इंडिया से, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान के लोग सब लोग यहीं रुकते थे। अभी कोविड का बाद नॉर्मली अभी शुरू हुआ है, तो यहाँ रूम के लिए और खाने पीने के लिए और मेट्रो टैक्सी वैक्सी सब का सुविधा है। लुजिंगलू जो गोंजो के येसु डिस्ट्रिक्ट का अंदर लुजिंगलू पड़ता है, सौबे मेट्रो स्टेशन का पास, सौबे मेट्रो स्टेशन नजीक है, सी एग्जिस्ट उतर के लुजिंग लो आ सकते हैं, इजली है, इतना दिक्कत कोई नहीं है। ओके, सो कुल मिला के लोग यहाँ पे पहुंच सकते हैं इजीली। अब एक बार हम फीडबैक लेते हैं जो लोग खाना खा रहे हैं यहाँ पे जी। उनसे, और जो लोग पहले यहाँ पे खाना खा के जा चुके हैं, हाँ बाकी क्या कुछ मेन्यू है उसके लिए तो आपको ये व्हाट्सअप भी कर सकते हैं लोग, हाँ लाइक आपका नंबर हम जो स्क्रीन पे शो कर रहे हैं उस पर व्हाट्सअप या बीच है? व्हाट्सअप मेरा दूसरा नंबर से है। अच्छा, हाँ व्हाट्सअप नंबर में अभी बोल देता हूँ आपको, 977 जो नेपाल का नंबर से व्हाट्सअप। यहाँ पे क्या बोलता है, पासकोड आया नहीं क्योंकि अभी नया चेंज किया था, 00977980360-1561। दुबे जी, मैं आपको ये किचन भी दिखाता हूँ, हमने किचन अच्छा सेटअप किया है, जो कि एक्चुअली किचन ये एकदम प्रोडक्ट फूड प्रोडक्ट का चीज़ होता है, इसके लिए बहुत माने रखता है, सफाई का बहुत माने रखता है, क्योंकि खाने का चीज़ एक हमारा शरीर का हेल्थ का मतलब होता है, इसलिए हमने किचन प्रॉपर एकदम क्लीन रखा है, नीट टू क्लीन। तो यहाँ देख सकते हैं आप, ये तो फ्रिज हो गया, ये चाइनीज़ चूल्हा है जो फास्ट बोलता है, अभी हमने यूज़ नहीं किया है, और ये अपना इंडियन चूल्हा है, इंडियन चूल्हा है। हमने यहाँ पे पाइपलाइन गैस, जो भी यहाँ पे सिलेंडर
सिलेंडर चलाना अलाउड नहीं है चाइना गवर्नमेंट सुरक्षित का हिसाब से सेफ्टी का हिसाब से और गैस सिलेंडर का यूज़ नहीं करता है रेस्टोरेंट के लिए। ये पाइपलाइन गैस है जो कि हम बिल पेमेंट करते हैं पाइपलाइन गैस है और ये किचन का सेटअप है और ये मीजा प्लस का काउंटर है अपना और ये अपना टमाटर का अर्नव टमाटर का ये हम ग्रेवी बना रहे हैं अभी और ये तावा रोटी के लिए ये स्पेशली चूल्हा है इसमें 8-10 रोटी बना सकते हैं एक ही बार और ये डीप फ्राई है जो फ्राईर करते हैं ना ये डीप फ्राई करते हैं ये एक्चुअली टेम्परेचर नॉर्मल रखता है इसमें जो कि ऑयल खाने का अंदर और कोई पकौड़े वकोड़े का अंदर नहीं जाता है हम अलग अलग रखा है कोई मतलब अलग अलग के लिए और यहाँ पे हम तावा रोटी बेलते हैं अभी रोटी बेला था इसलिए यहाँ पे आटा वाटा लगा हुआ है। तो दुबे जी अब हमने ये तंदूर भी लाया है अभी तंदूरी कारीगर जो है अभी हमने लाया है उनका वीजा प्रोसेसिंग में है जो कि अभी है ओम जी बोल के है तंदूरी कारीगर है ये अपना तंदूर है ये तंदूर अभी हमने सेटअप कर रखा है तो ये अपना स्टोर है उधर ये स्टोर है अब ये हमारा ये वॉशिंग बर्तन वॉशिंग के लिए है ये बर्तन वॉशिंग करने वाली आंटी है आई आंटी को आई बोला जाता है ये चाइनीज में आई हेलो निरसी फिन ये दुबे जी अभी ऐसे ही है अभी सेटअप किया है और हमने तो ये कस्टमर के लिए एकदम प्रायोरिटी दे रखे है खाने पीने के लिए सफाई और अच्छा टेस्टी फ्रेश खाना बनाने के लिए ना हम हरदम कोशिश कर रहे हैं आपके सेवा में हम हाजिर है। त्रिलोचन जी यहाँ पे क्या कुल स्टाफ है अपने पास? हमारे पास शिफ्ट में स्टाफ है शाम को 3 जने चाइनीस और 2 जने हम नेपाल से और 1 जने इंडिया से शाम के लिए है अभी शाम को और दूसरा आएंगे दूसरे लोग इस शिफ्ट वाले तंदूरी कारीगर वो ओम जी बोल के है वहाँ पे ओम जी हेलो दुबे जी हेलो हेलो नमस्ते हेलो नमस्ते कैसे हो? ठीक है जी बढ़िया जी क्लास खाना खा के हमें तो काफ़ी मज़ा आया अब आप कब लगाने वाले हैं अपना सेटअप? हम भी लगाएंगे हमारा प्रोसेस चल रहा है बीजा का उसके बाद आपको जल्दी हम लोग कर रहे हैं और बाकी आप लोगों ने देख लिया खाना कैसा क्या है और आगे हम बहुत अच्छा करेंगे बस हम ये चाहते हैं हमारे गेस्ट सबको पता लगे यहाँ पे हम यहाँ खुल रखा हम लोगों ने और बस बढ़िया है ना बढ़िया एकदम तो अभी एक बार चलते हैं कस्टमर जो लोग ऑर्डर करके यहाँ पे खाना खाते हैं लाइक जिन लोगों का यहाँ पे खाना खाने के बाद जो रिव्यू है वो क्या है। हेलो भैया हेलो आप कहाँ से हो? काठमांडू से नेपाल काठमांडू अच्छा काठमांडू से हैं आप ओके तो यहाँ पे अभी आपने क्या क्या ट्राई किया खाने में? यहाँ पर माछा दाल भात तरकारी अचार सब कुछ परोठा इधर मोमो चाउमीन सब चाहया सब कुछ ट्राई किया सब ट्राई किया। तो आप अपनी नेपाली भाषा में जो नेपाली लोग आने वाले हैं इनके रेस्टोरेंट पे उनको क्या बोलना चाहेंगे रिकमेंड करेंगे? ये एकदम राम्रो छ यहाँ आएर खाना एकदम स्वादिलो छ हामीलाई नेपाली स्टाइलको खाना चाहिन्छ त्यसकारणले यता आउँदाखेरि चाहिँ बाँच्नको लागि त्यति अप्ठ्यारो हुँदैन स्वादलाई चाहिँ टेस्टी स्वाद छ। ओके सो मीन्स यहाँ पे जो लोग वेज फूड के लिए आना चाहते हैं वो तो आ ही सकते हैं बाकी स्पेशली जो नेपाल का फूड है वो भी मिल जाता है राइट राइट। सो अगर हम बात करें यहाँ पे कैपेसिटी की तो ये काफ़ी अच्छा एक बड़ा हॉल है जहाँ पे आप कैपेसिटी देखेंगे तो मुझे लगता है लगभग यहाँ पे 60-65 लोग बैठ सकते हैं आराम से खाना खा सकते हैं कोल्ड ड्रिंक या ड्रिंक में जो लेना चाहते हैं मैक्सिमम मिल जाती हैं ड्रिंक के लिए भी और खाने का जो सिस्टम है वो भी काफ़ी बेहतरीन है। तो लोग आते हैं अलग अलग स्टेट से काफ़ी सारे लोग आते हैं जैसे कि अभी हमारे साथ एक पांडे जी हैं जो कि दिल्ली से आए हैं। हेलो बोलिए पांडे जी। पांडे जी आप बताइए खाने के बारे में कैसा था खाना यहाँ का? बहुत बढ़िया ना। वेज में मतलब आपने क्या क्या ट्राई किया? दाल मखनी चावल मजा आया खाना खाके मजा। तो ये पांडे जी दिल्ली से आए थे और इनको भी यहाँ का खाना काफी बेहतरीन लगा। बाकी एक चीज मैं बता दूं कि यहाँ पे एक बेस्ट ऑप्शन ये है कि बहुत ही बेहतरीन इन्वायरमेंट है खाना खाने के लिए ना एक प्रॉपर जो वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए स्पेशली यहाँ पे जो एक इंडियन कल्चर में फूड चलता है जैसे खाने के बाद ये लोग खीर का भी ऑप्शन रखते हैं अलग अलग मेन्यू इनका होता है तो उसका लुत्फ आप ले सकते हैं। बाकी स्क्रीन पे नंबर दिया गया है तो
त्रिलोचन जी से बात करके आप रेस्टोरेंट पे आ सकते हैं। सो गाइज, मैंने तो यहाँ पे खाना खा लिया, मैं मतलब काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि 3 दिन से मैं मतलब प्रॉपर वेज फूड नहीं खा पा रहा था। और ये रेस्टोरेंट है, आप बैकग्राउंड में देखेंगे, बहुत ही अमेजिंग रेस्टोरेंट है चाइना के अंदर, जो कि गुंगजाओ शहर में है। लोकेशन सर ने पूरी बताई दी है, तो भाई आप आके यहाँ खाना खाना। बाकी जो ये बिल्डिंग है उसका नाम आप कॉल करके इनसे सर से पूछ लेना, क्योंकि लोकेशन दिखाने पे भी ना आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे, तो बेस्ट ऑप्शन है कि कॉल कर लें। बाकी जो भी हेल्प है ये करेंगे। और खाने के लिए मैं बोलूँगा कि यार खाना बहुत ज़बरदस्त था, नो डाउट, अमेजिंग फूड। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को शेयर करना उन लोगों में जो लोग लाइक बिजनेस के लिए आ रहे हैं चाइना में। और इवन फेसबुक पे ये वीडियो जब मैं डालता हूँ तो आपको शेयर करना ही चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग कनेक्ट हैं हमसे जो इंपोर्ट का बिज़नेस कर रहे हैं, एक्सपोर्ट का बिज़नेस कर रहे हैं, या चाइना विजिट उनका एक रूटीन है साल में 2-3 बार का, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।